the properties of definite integration. Now we are coming to the proper chapter of definite integration. ठीक है, properties करते हैं. पहली property क्या कहती है मेरी? If I change the variable of integration, that is the with respect to I am integrating, जैसे x था यहाँ पर, तो अगर मैं इसको t में convert कर लेता हूँ, तो the variable remains same. There is no harm in doing it. Obviously बात यार, बस इसको क्या रहा क्या रहा? x को equal to t put कर दिया, substitute करूँगा तो पुरानी limit भी वही रहेगी and new limit भी वही रहेगी and x will get converted into t. The second property says कि अगर मेरी यही same चीज़ जो मैंने पहले LHS में लिखी थी, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी lower और upper limits interchange हो जाएं, so this will be minus. ठीक है ना, अगर अपर और लोअर लिमिट्स इंटरचेंज करनी है तो यू हैव टू यूज अ माइनस साइन. मतलब क्या हुआ, अगर तुम इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में समझो कि अगर तुम यहां से यहां जा रहे हो, तुमने इसको अगर एक्स माना था, ठीक है, एरिया अगर तुम यहां से यहां तक का निकाला है तो दैट इज एक्स, तो अगर तुम यहां से यहां तक का निकालते हो तो हो जाएगा माइनस एक्स. ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो उस तरीके से इसको समझ सकते हो. ऑलराइट, सो ये दोनों बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज थी. ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड अच्छी प्रॉपर्टी है, हटा देता हूँ मैंने, इसके लिए डायग्राम बनाना है क्योंकि the third property is अगर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो a से b f x d x, you can choose a point c which is between a and b और उसको तुम फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करके नाउ डिवाइड कर सकते हो. That means now you can integrate a से c and then c to b, where c lies between a and b. ठीक है, c is a point over that will lie between a and b. अब इसका प्रूफ देखो, बहुत आसान है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ करते हैं इसका. देखो कैसे, ये तुम्हारा fx फंक्शन है, दिस इज योर fx. तो बेसिकली तुम्हें निकालना क्या है, a से b इसका कितना एरिया फॉर्म हो रहा है, दिस इज x इक्वल टू a पॉइंट, दिस इज x इक्वल टू b. So this term requires you to find this area. ठीक है, तुम्हें ये area find करना है, इसका मतलब ये है. RHS में क्या लिखा है कि मैंने एक point लिया है C, मान लो वो ये point है which lies between A and B. अब ये क्या चीज कहता है, integral of A से C. ठीक है भाई, integral of A से C क्या होगा, ये वाला area plus integral of C से B, वो कौन सा area हो जाएगा, चलो ये वाला एरिया लेगा यार, बट इवेंचुअली रहा क्या यार, रहा तो वही पूरा वाला एरिया ना जो मैं ये चाह रहा था, यही टर्म तो आ गई दोबारा, इन दोनों एरिया वन और एरिया टू को अगर मैं ऐड करूंगा सो सेम ही चीज तो मिलेगी मुझे दोबारा, पर्पस गॉन, सो आई कैन राइट दिस लाइक दिस थिंग. ठीक है, देखिए आगे जाके कहां यूजफुल होती है. अभी लग रहा होगा कि यार फायदा क्या है, क्या बकवास हो गई, कर क्यों रहे हैं, जब ये और ये दोनों चीजें बराबर है तो हम कर ही क्यों रहे हैं इसे. वेट फॉर सम टाइम, आगे जाके इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए क्वेश्चंस के अंदर कि कहां ये चीज फायदेमंद है, कहां इसे इंटरवल को स्प्लिट करना विल बी यूजफुल. ऑलराइट, सो दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी. इसको हम जनरल वे में एक्सटेंड कर सकता हूं, मतलब अभी मैंने सिर्फ ए सी पकड़ा था, मैं ऐसे कितने भी सी पकड़ सकता हूं, ए सी1 तक करा fx dx प्लस फिर सी1 से दूसरे सी2 तक प्लस C2 से तीसरे C3 तक क्या fx आएगा या dx आएगा, बाद में बोलना है ये क्या हो गया. ठीक है, C3 से C4 ऐसे चलते चलते तक Cn तक जा सकता है. ठीक है, और ये सारे C1 C2 C3 क्या होंगे, C1 C2 C3 up to Cn will obviously lie between A and B. मतलब मैं A and B के इंटरवल को कितने भी छोटे 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 एरियाज में डिवाइड कर सकता हूँ. ठीक है, और उनको सबको इंटीग्रेट करके टोटल एरिया में डाल सकता हूँ. ठीक है, दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ऑलराइट, नाउ लेट अस सी कि हमें थर्ड जो प्रॉपर्टी अभी करी है वो हमें यूज कहां कहां कर सकते हैं. ठीक है, देखो फॉर्म पैकेज में भी आपके लिखा है वी हैव टू यूज दैट प्रॉपर्टी वेयर द फंक्शन इज गेटिंग डिसकंटीन्यूअस इन द इंटरवल. तो आपको जहां जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो रहा है वहां से उसे ब्रेक करना है. मतलब कहने का, अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं tan x को कहां से 0 से लेकर पाई तक, तो मुझे पता है tan x is discontinuous at pi by 2.
तो मुझे उसे ब्रेक करना पड़ेगा यार पाई बाय 2 पे, मैं उसका इंटीग्रल नहीं निकाल सकता 0 से पाई। अरे वो कंटीन्यूअस फंक्शन है ही नहीं। देखो जो हम सारे एरिया का कांसेप्ट कर रहे हैं, एरिया का कांसेप्ट कब निकालोगे? जब फंक्शन कंटीन्यूअस बनेगा तभी तो कुछ लिमिट निकाल के उसका एरिया निकाल पाओगे। अगर डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है तो उसे ऑब्वियसली यार पेन उठाओगे तो ब्रेक तो करना पड़ेगा ना, तो अलग तरीके से उसका एरिया निकालना पड़ेगा मुझे। सो अगर 10x को कर रहा हूं तो पहला क्या करूंगा, 0 से पाई बाय 2 जाऊंगा उसका एरिया निकालूंगा, और फिर पाई बाय 2 से पाई जाऊंगा उसका एरिया निकालूंगा, दोनों को ऐड करूंगा एंड आई गेट दी नेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी वहां पर ज्यादा यूज होती है। सिमिलरली कौन से दो कॉमन फंक्शन है जो डिसकंटीन्यूअस होते हैं एवरी टाइम? वन इज द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जहां पर वो जीरो हो रहा है वहां पर वो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटीन्यूअस नहीं होता, बेसिकली उसकी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है ही, एट एवरी इंटीजर पॉइंट इट विल गेट डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, तो उन्हीं देखते हैं करना कैसे होता है, यूज कैसे करना है। पैकेज का 9th क्वेश्चन ही लेते हैं आपका, ठीक है, एंड वी विल गो विद द पार्ट बी ऑफ इट। ठीक है, देखो नो द क्वेश्चन सेज इंटीग्रेट फ्रॉम f(x) फ्रॉम -1 टू 1 वेयर f(x) इज गिवन टू बी 1 -2x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड 1 +2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इनको करना क्या है, या देखो यहां तो फंक्शन को ही डिसकंटीन्यूअस पहले ही दे रखा है, यहां सोचने की भी बात नहीं है, यहां फंक्शन को क्या कर रहा है, दो स्ट्रेट लाइन में डिवाइड कर रहा है। अगर x less than 0 है तो फंक्शन क्या है 1 -2x, अगर x greater than 0 है तो फंक्शन क्या है 1 +2x। तो दोनों अलग-अलग फंक्शन है तो ये तो डिसकंटीन्यूअस होंगे। तो बेसिकली इसको करना कैसे है, देखो -1 से 0 जो फंक्शन आ रहा है उसे इंटीग्रेट करेंगे, और 0 से 1 जो फंक्शन आ रहा है उसे इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल। ठीक है ना, इसमें तो कुछ नहीं करना था, ये देखिए रहे क्लियर, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। सॉल्व इट, बहुत आसान क्वेश्चन है, पुट दी वैल्यूज गेट दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लेते हैं अपना कौन सा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या प्रॉपर्टी है, बी पार्ट जो है इसका मॉड एक्स। ठीक है, मॉड एक्स को कहां से कहां तक करना है, इंटीग्रेट -1 से 1 dx। हमने फंक्शन की चैप्टर में पढ़ा था मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, तो कहां पर डिसकंटीन्यूअस, मतलब क्या कहां पर वैल्यू चेंज हो रही है इसकी, इट इज y इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x लेस देन 0। तो 0 पे ये दो जगह फंक्शन अलग-अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी फिर इंटरवल को ब्रेक करना पड़ेगा, -1 से 0 माइनस x dx प्लस 0 से 1 x dx। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली नाउ लेट अस टेक योर पॉइंट, कौन सा लेबल हो, अब आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बताया यार, सी पार्ट इंटीग्रेट -1 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हमने कैसा करा था, देखो याद करो, लेफ्ट हैंड साइड पे डॉट होती थी, राइट हैंड साइड पे सर्कल होता था। ठीक है, 0 -1 1 2 3। मैं अभी भी रिपीट करता हूं कि अगर जिसको फंक्शन चैप्टर नहीं आता है वो पहले फंक्शन चैप्टर कर ले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द फंक्शन चैप्टर व्हाइल यू आर डूइंग दी डेफिनेट पार्ट। इसमें ग्राफ्स का बहुत ज्यादा यूज है एंड वी हैव डन द ग्राफ थिंग इन द फंक्शंस चैप्टर। अगर तुम्हें ग्राफ्स नहीं पता है तुमसे डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अलजेब्रिकली सॉल्व करना एक लेंथी प्रोसीजर है एंड यू हैव द आइडिया ऑफ द ग्राफ, तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा आती है, आपको श्योर हो जाएगा हाँ यार मेरा आंसर यही आएगा, देयर कैन बी नो अदर आंसर। ठीक है ना, तो अगर मुझे ये ग्राफ पता है तो देखो अब कितनी आसानी से बात करूंगा। डिसकंटीन्यूअस है मतलब -1 से 0 एक पार्ट बना, एक 0 से एक 1 पार्ट बनेगा, 1 से 2 एक पार्ट बनेगा और 2 से 3 एक पार्ट बनेगा, चार पार्ट बनते हैं देख रहे हैं मुझे। -1 से 0 क्या वैल्यू होती है बताओ जरा इसकी, हमें पता है हमेशा वो क्या रहता है, कांस्टेंट वैल्यू बिटवीन अ पीरियड व्हिच इज -1 ओवर एक। जब हम -1 से 0 में कुछ भी वैल्यू डाल दूं x की, रहेगा क्या वो, देखो ना मॉड x ग्रेटेस्ट इंटीजर x व्हेन x लाइज बिटवीन -1 से 0 विल ऑलवेज रिटर्न, सॉरी -1 ओवर x
ये डाल देना थ्री को रेडियस है, ठीक है। माइनस वन रिटर्न करेगा यार, एक देखो ना नंबर्स तो अगर समझ में नहीं आ रहा था मैथ्स में, टेक एक्सप्लेन योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। देखो अगर मैं ये बोल रहा हूं तो उसको प्रूव करने के लिए क्या हुआ, x को लेट इट बी x एज -0.5 का ग्रेटर इंटीजर क्या होता है -1, बस आंसर आ गया, ठीक है। 0 से 1 क्या देगा, हमेशा 0 यार, ग्राफ से भी देख सकते हो, जब भी तो बना रहे हैं ग्राफ, अदरवाइज ग्राफ कैसे बनाया ना। 1 से 2 क्या होती है वैल्यू, ये होता है 1, ये होता है 2, सो 1 dx। 2 से 3 हमेशा क्या होती है, ग्रेटर इंटीजर x की वैल्यू, इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी x बिटवीन 2 टू 3 इट विल ऑलवेज बी 2, बस ये क्वेश्चन हो गया, हम इसे इंटीग्रेट कर लो, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है ना। तो ग्रेटर इंटीजर वालों को क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। नाउ लेट अस टेक, वी आल्सो सॉल्व फ्रैक्शनल पार्ट कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पर भी अगेन वी टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ, देखो जो ग्राफ नहीं आता वो बर्बाद हो जाएगा इस चैप्टर में, इसलिए सबसे पहला काम करो फंक्शंस का चैप्टर रिवाइज करो, सारे बेसिक कर्व्स रिवाइज करो, तभी ये क्वेश्चन चैप्टर आसानी से निकलेगा, अदरवाइज इट विल बी अ टफ चैप्टर फॉर यू गाइस। अब क्या क्या करना है देखो, फोर्थ पार्ट का कहते हैं इंटीग्रेटेड 0 से 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कर्व कैसा होता है, यहाँ 0, 1, 2, ठीक है ना, कुछ ऐसा कर्व होता है फ्रैक्शनल पार्ट का, ठीक है। ये क्या लाइन होती है, 0 से 1 के बीच वाली होती है, दिस इज y इक्वल टू x लाइन, और हमने ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू पढ़ा था अगर राइट में ये लाइन शिफ्ट करनी है तो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू x माइनस 1 लाइन, ये क्या है y इक्वल टू x प्लस 1 लाइन, ये वाली लाइन क्या है y इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर, x माइनस 2 लाइन। तो देखो सिंस अगेन क्या हो रहा है, ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो रहा है इंटीजर पॉइंट्स पे, तो मुझे अलग-अलग पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन कहां से कहां तक पूछ रहा है, इन्हें बड़ा आगे थोड़ी देर के लिए, इनकी जरूरत नहीं है अभी मुझे, 0 से 2 तक पूछ रहा है, एक इंटरवल बनेगा 0 से 1 और एक इंटरवल बनेगा 1 से 2 तक के, ठीक है, जो कि मुझे दिख रहा है बिकॉज़ एट 1 इट इज डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। 0 से 1 ग्रेटर इंटीजर फंक्शन अगर आपके साथ है y इक्वल टू x लाइन, दैट मींस x x dx, मतलब जो भी वैल्यू ऑफ x होगी वही उसका आंसर होगा, ठीक है। जैसे अगर 0.5 लेता हूं तो दिस थिंग विल रिटर्न 0.5 ओनली, ठीक है। 1 से 2 इट इज x माइनस 1, सो आई इंटीग्रेट x माइनस 1 dx, नहीं समझ में आ रहा, टेक एग्जांपल x को अगर मैं पुट करता हूं 1.5, आंसर क्या आता है अभी भी 0.5, ये कैसा आएगा, जब इसमें से मैं 1 माइनस कर दूंगा तभी तो आएगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन x माइनस 1, ठीक है। बस इसको इंटीग्रेट कर दो, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो समझ में आया कि कैसे कैसे कब कब ये वाली प्रॉपर्टी यूज होनी है, जब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो रहा है या फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, जो भी अगर साइन चेंज हो रहा है, साइन कब चेंज हो रहा था, ऐसे वाले केस में जब मॉड एक्स का कर्व बन रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सारे हम इसमें यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ओके। नाउ लेट अस टेक इलस्ट्रेशन 11 का आपका एग्जांपल 1 व्हिच इज 0 टू पाई इंटीग्रेट मॉडुलस ऑफ cos x - sin x। सो पहला काम क्या करना है इसमें, हमें पता लगाना है कि मॉडुलस फंक्शन का क्या करना है, मतलब कहां मॉडुलस फंक्शन का साइन चेंज हो रहा है, हमें पता है मॉडुलस फंक्शन का साइन कहां चेंज होता है, उसके 0 पे। तो उसका 0 क्या है, when cos x minus sin x is equal to 0, that means cos x is equal to sin x, और 0 से pi के बीच में ये कब होते हैं, when x is equal to pi by 4, ठीक है। ये हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, sin x का ग्राफ ऐसा होता है, cos x का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है ना, अपनी ये पीक अटेन करेगा इस समय और फिर कुछ ऐसा यहाँ पर, ठीक है। देखो पाई बाय फोर ये वाला पॉइंट हुआ जहाँ ये मीट करते हैं, और ये है पॉइंट या पाई, यहाँ पर ये माइनस वन होता है कॉस। जब भी कह रहा हूँ देखो बार बार ग्राफ बनाओगे तो बहुत ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब ये पता लगाना है 0 से पाई बाय फोर ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 0 से पाई बाय फोर में कॉस इज
above is sin x. That means अगर मैं इसमें से minus करूँगा, so this term will be positive. But now consider pi by 4 से लेकर pi तक हमेशा cos में रहता है, sin के नीचे. Sin always takes a bigger value than cos. So that means 0 से pi by 4 the function will be cos x minus sin x. ठीक है? और pi by 4 से लेकर pi तक the function will be sin x minus cos x. ठीक है ना? बेसिकली इसका क्या कहने का मतलब है मेरा, this term is equal to minus times cos x minus sin x. करते थे ना modulus x में ही, x when x is greater than 0, minus x when x is less than 0. वही काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा. ठीक है, फिर तो आगे आसान क्वेश्चन है, जस्ट इंटीग्रेटेड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो मेन कंसेप्ट था इसमें निकालना कि कहां से कहां पॉजिटिव होगा, कहां नेगेटिव होगा. एंड अगेन इसमें ग्राफ से हमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी. ठीक है, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, सेम इलस्ट्रेशन का पार्ट बी लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए. ये कहता है इंटीग्रेट 0 से 4 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ मॉड एक्स डीएक्स. आधे बच्चे क्वेश्चन देख के भाग गए कि भाई ये क्या बल्ला सी दिखती यार, अभी तक तो हमें फ्रैक्शन पार्ट समझ में नहीं आया था, ये क्या हो गया, ये कैसा क्वेश्चन है. और जो बच्चे कुछ अटेम्प्ट करते हैं वो नॉर्मल तरीके से कर देते हैं, 0 से 1 लिया x बनाया, प्लस 1 से 2 बनाया, इसको x माइनस 1 बनाया. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज नाउ द फंक्शन इज नॉट x बट द फंक्शन इज अंडर रूट x. ठीक है ना, पहले जो हमने ग्राफ बनाया था वो बनाया था एक्स के लिए. तो सीधी सी बात है, देखो अगर मैं इसको अगेन ग्राफ से समझूं, ये मैंने बनाया था फ्रैक्शन पार्ट एक्स कर्व. ठीक है, ये था 0 1 2 के लिए. ये कहां चेंज होता है, एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट. ठीक है, तो x के इंटीग्रल पॉइंट्स क्या थे, फॉर y इक्वल fx इक्वल टू, अगर मैं इसका निकालता ना तो ये इंटीग्रल पॉइंट्स क्या थे इसके, सारे इंटीजर्स 1 2 3 ऐसे. अगर वो फंक्शन आ जाता है मेरा अंडर रूट x, तो ये कहां का इंटीजर लेगा. हमें अब ये चीज देखनी है कि नॉट x ओनली, ये पूरा अंडर रूट x कहां का इंटीजर बने. अब मुझे ये देखना है ना कि सिर्फ x कहां का इंटीजर बने. तो ये कहां का बनता है, एक तो 0 पे बनता है, 1 पे, ठीक है भाई अंडर रूट 1 1 होता है, देन 2 पे नहीं यार, 2 पे ये इंटीजर नहीं बन रहा, 2 पे इट इज अंडर रूट 2 व्हिच इज 1.4, 3 पे नहीं यार अभी भी नहीं बन रहा, ये तो मान हो गया इट इज 1.73, बट एट 4 या नाउ एट 4 इट इज इक्वल टू 2. सो इसके इंटरवल्स ऐसे डिवाइड होंगे 0 से 1, 1 से 4, बिकॉज़ एट 4 इट इज बिकमिंग इंटीजर. और हमें पता है फ्रैक्शन पार्ट कहां पर डिस्कंटीन्यूअस होता है, एट इंटीग्रल पॉइंट्स. ठीक है, एट इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब ये नहीं होता सारे इंटीजर 1 2 3 4, आपको देखना है फंक्शन कहां पर इंटीजर बन रहा है. ठीक है, क्लियर हुआ. तो इस वाले फंक्शन के लिए ये वाला पॉइंट कब आएगा, 4 पे. ठीक है, बस फिर तो पप्पू क्वेश्चन बन गया, अगर अगली बात समझ में आ गई तो दिस टर्म विल बी 0 से 1 क्या बनेगा, ये रूट एक्स. ठीक है, ये बना रहेगा और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, अब नॉर्मल यार रूट एक्स माइनस वन, इतनी क्या टेंशन ले, कर्व तो वैसे ही रहेगा ना कि अगर ये था इसको एक डायरेक्शन शिफ्ट करना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी 1 से 4 रूट एक्स माइनस वन का डी. ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा. और ये क्या है, ये याद रखो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, y इक्वल टू रूट एक्स कर्व है यार. तो क्या बना, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसका पैराबोलिक शेप होता है. सो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर आपने वीडियो में गलत पढ़ा रखा है. ठीक है, तो इसका शेप ऐसे बनता है. ठीक है, क्लियर हुआ ये बात. दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ऐसे इसमें एक बनेगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी क्वेश्चन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले भी यार ऐसे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है उसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला तो इसका और भी आसान है. क्यों, क्योंकि इसमें जैसे यहां तो अंडर रूट वगैरह मिल रहा है, वहां तो वैल्यू क्या मिलती है, 0, इसकी वैल्यू मिलेगी 1, ऐसे ऐसे आंसर्स मिलेंगे उसमें. ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा आसान होता है इंटीग्रेट करना.
आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ. हमें इन टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना होता है. ओके ओके सो नाउ